मास्टर रेसिपीज में सभी का बहुत बहुत जोरदार स्वागत। और जोरदार स्वागत इसलिए मैं कर रहा हूँ कि मास्टर रेसिपीज में कई रेसिपी हम बनाते हैं। स्नैक्स है, सब्जियाँ हैं, चावल है, मीठा है। आज की जो सब्जी है वो पनीर वाली है और इस क्रीम पनीर को आप नान के साथ खाइए, देखिए आपको मास्टर रेसिपी याद आएगी। इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले पनीर, उसके बाद में फ्रेश क्रीम, हरी धनिया, आटा लगेगा, उसके बाद दही, लहसुन, काली मिर्च और अजवाइन। सबसे पहले मैं लहसुन जो है बिल्कुल बारीक हम करेंगे, जैसे शक्कर के मोटे दाने होते ना, बस उसी तरह। और इसके लिए दो तरीके हैं, एक तो ऐसा लहसुन रखिए आप, ये प्रेस कर दीजिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि हमें क्रश नहीं चाहिए, हमें टुकड़े चाहिए। इसके बाद इसे इकट्ठा कर लो और इकट्ठा करके हम यूँ काट लेंगे, जितना बढ़िया बारीक आप काट सके। अब पनीर हमें चौकोर टुकड़ों में चाहिए। चलिए पनीर कट गया, ये कट गया, इसे करेंगे यस। तेल हम लेंगे थोड़ा सा, बारीक कटा हुआ लहसुन डाल दिया और तब तक मैं काली मिर्च जो है मेरी पीस लेंगे। ज़्यादा नहीं, बस एक के दो चार करो। और इसके साथ पनीर के टुकड़े जो है हमारे, ये भी। थोड़ा से ब्राउन कर ले, साथ में नमक स्वादानुसार। नमक डालते समय एक बात का ध्यान रखिए, पनीर और पनीर के साथ की ग्रेवी, ये दोनों के लिए हमने नमक डाल दिया। चलो ये तो तैयार है, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। अब देखिए इसकी ग्रेवी वैसे तो नहीं बनाना हमें, उसके लिए ये मलाई वाला दही मैंने 2 चम्मच, ठीक है, इसमें मैं डालूँगा 1 चम्मच आटा और थोड़ा पानी डाल के इसकी स्मूथ पेस्ट बना लेंगे हम। ये पीसा हुआ दही और आटा धीमी आंच में। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद के लिए थोड़ा सा अजवाइन। इतनी बढ़िया स्मूथ पेस्ट इसकी आना चाहिए। अब देखिए इसमें मैंने शक्कर का इस्तेमाल नहीं किया, यदि आप खट्टा मीठा पसंद करते हो तो थोड़ी सी एक चुटकी शक्कर आप डालिए, एक चुटकी। अब इसके बाद बारी आती है फ्रेश क्रीम की, 1-2 चम्मच में फ्रेश क्रीम डाल दो, क्या बात है। देखिए इसका कलर जो है, रंग जो है बढ़िया सफ़ेद, इसमें थोड़ी सी हरी धनिया। चलिए सर्व करते। क्या बात है, तो ये हुआ क्रीम पनीर। मैं तो इसे ऐसे भी खा लूँ क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि पनीर मेरी पसंदीदा चीज़ है। आप बटर नान के साथ खाइए और साथ में थोड़ी एक तीखी सब्जी ले लो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी है नहीं। यदि आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें रेसिपी और ये चैनल भी।